हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू स्पून ऑयल। मैं हूँ सुजाता। 30 डेज लेस ऑल ब्रेकफास्ट चैलेंज का आज है डे 6 और आज की हमारी रेसिपी है मेथी के ठेपले। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मेथी के ठेपले हैं तो हमें चाहिए मेथी और मेथी को मैंने अच्छे से धो लिया है। इस मेथी को अच्छे से बारीक बारीक कट कर लें। अगर मेथी के स्पेशली डंठल पार्ट की अगर बड़े बड़े टुकड़े रहे तो ठेपले बेलते समय वो फट सकते हैं। इस तरह से एकदम बारीक बारीक मेथी को कट कर लें। ये 1 कप मेथी है। चटनी जार में 5-6 लहसुन की कली, थोड़ी अदरक और 1 हरी मिर्च का पेस्ट बना लें। मैंने 1 ही हरी मिर्च डाली है क्योंकि मेरा बेटा भी ये ठेपलों को खाने वाला है। आप 2 या 3 हरी मिर्च मिला दें। इस पेस्ट को एकदम बारीकी पीसें। आप इसमें पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च के बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो ठेपले फट जाते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप गेहूं का आटा लें। इसमें 1/4 कप बेसन मिलाकर स्वादानुसार नमक मिला लें। अब इसमें 1/4 कप दही, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पिसा हुआ पेस्ट और 2 चम्मच तेल मिला दें। और 1 कप मेथी मिलाकर इन सबको मिक्स कर लें। आप मेथी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सॉफ्ट ठेपले बनने के लिए आटा, बेसन, दही और तेल को बराबर मेजरमेंट में डालना बहुत ज़रूरी है। अब इस मेथी और आटा के मिक्सचर में 1/2 चम्मच हल्दी, 1 फ्लैट चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सूखी कसूरी मेथी मिला दें। कसूरी मेथी मिलाने से मेथी का स्वाद और बढ़ जाता है। अगर आपको हरी मिर्ची का तीखापन कम लगे तो इसमें लाल मिर्च भी मिला सकते हैं। अब इन सबको मिक्स करके बहुत ही सॉफ्ट आटा लगा लें। अगर आपके ठेपले ज़्यादा देर तक सॉफ्ट नहीं रहते हैं तो उसमें दही, तेल और आटे को सॉफ्ट करना, इन 3 चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। आप देख सकते हैं कि मैंने आटा कितना सॉफ्ट लगाया है। आप नए नए हैं और आपको इतने सॉफ्ट आटे से ठेपला बनाने में दिक्कत होती है तो आप थोड़ा सा टाइट ही आटा लगाएं। आटे को ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट दें। 10 मिनट बाद आटे को थोड़ा सा मलकर इस तरह से उसके गोले बना लें। आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसे हैंडल करने के लिए आप सूखा आटा या फिर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से सारे आटे की छोटे नींबू के आकार की लोइयां बना ली हैं मैंने। अब 1 लोई लें और उसमें सूखा आटा लगाकर इस तरह से एकदम पतला ठेपला बेल लें। ठेपले को रोटी से भी थोड़ा और पतला बेला जाता है। क्योंकि ये ठेपले इतने पतले होते हैं तो इन्हें सेकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, तो बेलना और सेकना साथ नहीं हो पाता, इसलिए मैं एक साथ सारे ठेपलों को बेल कर रखती हूँ, फिर इन्हें बाद में एक साथ सेक लेती हूँ। मैंने 1/2 ठेपलों को इस तरह से बेल कर रख लिया है। इन ठेपलों को तेल लगाकर गरम तवे पर दोनों साइड से सेक लें। ठेपलों को सेकते समय गैस की फ्लेम मीडियम रखें। लो फ्लेम पर ज़्यादा देर तक ठेपले सेकते रहेंगे तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं।
और इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, बस थोड़े थोड़े ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं तभी इन्हें निकाल लें। इसी तरह से सारे ठेपलों को सेक लें। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ठेपले कितने सॉफ्ट बने हैं और ये ठेपले 2 दिन तक ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे। आप इन ठेपलों को अपने साथ ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं, ये 2 दिन तक फ्रेश ही रहते हैं और बहुत सॉफ्ट बने रहते हैं। तो सॉफ्ट सॉफ्ट ठेपले तैयार हो गए हैं, आप इन्हें नाश्ते में खाएं, बच्चों को टिफ़िन में दें या फिर अपने साथ ट्रैवलिंग में लेके जाएं। ये इसी तरह से आज भी सॉफ्ट बने रहेंगे और कल भी सॉफ्ट ही बने रहेंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।